हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आप लोग मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम कैसे ले सकते हो, ऑनलाइन में कैसे आप लोग कर सकते हो, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का न्यू वीडियो पाने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अभी स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों ने मुझे कॉमेंट किया है, CSE से लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए गाइस, मैं अभी आप लोगों को वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहे। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली देखिए गाइस, ई डिस्ट्रिक्ट ई फॉर्म पर सिंपली मैं क्लिक कर चुका हूँ और फाइनली गाइस ये मेरा सेव था पासवर्ड और जो भी है स्किन नेम, यूजर और स्किन नेम। तो देखिए गाइस, अभी ये खुल के आ चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए गाइस और कहाँ जाना होगा। तो देखिए गाइस, उसके लिए आपको सिंपली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, देखिए गाइस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोल के लिखा है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ में भी सर्च कर सकते हो और गो बटन पर जाके चेक कर सकते हो। बट देखिए गाइस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस, अभी आपको यहाँ में देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, और भी मैं जूम करके दिखा रहा हूं। तो फाइनली गाइस ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह मैं आप लोग ऑनलाइन और अप्लाई देख सकते हो। ऑनलाइन पर सिंपली क्लिक करके आप लोग जा सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यहां से आप लोग सिंपली ऑनलाइन पर जाके देख सकते हो उसी तरीके से। उसके बाद देखिए गाइस, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल के लिए भी तो यहां मैं ऑनलाइन बोल के है तो यहां मैं जा सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग टेस्ट, तो देखिए गाइस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग टेस्ट, ऑनलाइन पर सिंपली जाके आप लोग देख सकते हो। उसी तरीके से कुछ भी आपको मतलब अगर अप्लाई करना है तो देखिए गाइस, मान लीजिए आपको सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो यहाँ से आप लोग सिंपली क्लिक करना है और यहाँ में गो बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसी तरीके से आएगा। देखिए गाइस, यहाँ में ऑनलाइन बोल के है, ऑनलाइन पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस तरीके से सबमिट ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए गाइस, ये आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, तो ये आप लोग इजीली इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी, आप लोग खुद घर बैठे ही मतलब इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो कि मेरा CSE ID है और ये आप लोग देख सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए गाइस, आज का मेरा वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।